हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 12। ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रॉम्बस लाई ऑन अ सर्कल। तो फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आपको क्वेश्चन रीड करके ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल है जिसमें एक रॉम्बस है ए बी सी डी। बस रॉम्बस आपको इस तरह से बनाना है कि रॉम्बस की जो तो चारों वर्टिसेस है ए बी सी डी, ये सर्कल के ऊपर लाई करिए। ना तो सर्कल से बाहर जाना है, ना सर्कल के अंदर बनाना है, बिल्कुल सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए आपको ये रॉम्बस बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256, यानी 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे रॉम्बस का एरिया फाइंड करना है जब हमें सर्कल का एरिया गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एरिया, रॉम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू होता है हाफ डायमीटर वन इंटू डायमीटर टू। क्योंकि अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर तो ए सी, सॉरी डायमीटर क्या, डायगनल, डायगनल ए सी इंटू डायगनल बी डी। रॉम्बस के अंदर दो डायगनल है, तो आपको ये दोनों डायगनल आप पे पता होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके और रॉम्बस का एरिया फाइंड कर सकोगे। तो ये मैंने डी वन ले लिया, ये डायगनल डी वन है, ये डायगनल मेरा डी टू है। तो दोनों डायगनल फाइंड करने हैं। तो डायगनल फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस का डबल करोगे तो आपका डायगनल आ जाएगा, यानी डी वन डी टू आपका आ जाएगा। और हमारे हमें पता है कि सर्कल के डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए सी और बी डी, डी वन फाइंड कर लिया तो डी टू भी उतना ही हो जाएगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन है, आपको यहाँ पे सर्कल का एरिया पता गिवन है। तो इस एरिया से हम सर्कल का रेडियस फिर डायमीटर फाइंड करेंगे। तो हमने राइट कर लिया कि वेयर डी वन एंड डी टू जो है वो इस रॉम्बस के क्या है, डायगनल्स हैं। फिर एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1256। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये एरिया हमें पता है, सिर्फ रेडियस ही जो है वो आपका वेरिएबल है, तो ईजिली हम फाइंड कर पाएंगे। तो आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1256, पाई यहाँ मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू है हमारी 3.14। तो डेसिमल को हटाया तो न्यूमरेटर में आपका 100 आ गया। अगर ऊपर होता तो नीचे 100 आता है, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके देख लो सबसे पहले, तो टू के टेबल से कैंसिल कर दे, टू के टेबल में 3 नहीं आता, टू आएगा वन टाइम, फिर 11 तो 5 times 10 और 157 हो गया, और ये आप गया 6 times और 2 times और 8 times। तो 157 के टेबल में 628 आता है आपका 4 times। तो दिस एम्प्लाइज आर स्क्वायर आपका 4 into 100 हो गया 400। हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर इक्वल टू स्क्वायर, इधर हट के स्क्वायर रूट हो जाएगा, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि रेडियस हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अब आर क्या इक्वल टू 400 के फैक्टर बना लो, तो इसको हम इस तरह से करते हैं 4 into 100 अलग कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू 4 के फैक्टर हमें पता है 2 into 2 होते हैं, और 100 के फैक्टर हम इस तरह से, हमें पैरिंग चाहिए तो मैं 10 into 10 लिख देती हूँ। जब ये 20 हो 40 तो आप उसको 10 10 के बना लो, 2 के टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी भी पैरिंग हो गई, इसकी भी पैरिंग हो गई, तो आर इक्वल टू दोनों बाहर आ जाएंगे 2 into 10, यानी कि आर इक्वल टू हो गया 20 आपका सेंटीमीटर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर। तो अब हमें डी वन डी टू चाहिए, और हमें पता है एक सर्कल के चाहे आप कितने भी डायगनल बना लो, यहाँ पे सेंटर से पास होते हुए कितनी भी लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर लो, सारे डायगनल लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जितना आपका डी वन होगा उतना ही आपका डी टू होगा। तो आप क्या लिखोगे, देयर फॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 centimeter। तो रेडियस आपका सेंटीमीटर आ गया, तो दिस इंप्लाइज डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 into रेडियस, रेडियस का क्या हो गया डबल, यानी कि 2 into 20, यानी कि हो गया आपका 40 centimeter। ठीक है, तो अब आपके ये जो डायमीटर है सर्कल का वो डायगनल क्यों बनेगा, तो उसका भी हम रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो डायगनल है ना, वो रॉम्बस का डायगनल क्यों बनेगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं।
तो रीजन हम लिख दिया, सिंस ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, सारी वर्टिसेस हैं रोम्बस की वो सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच डायगनल ऑफ रोम्बस, जो डायगनल का जो रोम्बस रोम्बस के जो आपके डायगनल हैं वो सर्कल के सेंटर से क्या होंगे, पास होंगे, तो ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो सर्कल दैट इज वाई बोथ डायगनल्स आर इक्वल टू सेम एज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर से पास हो रहे हैं इसलिए दोनों डायगनल जो हैं वो आपके सर्कल के क्या होंगे, डायमीटर होंगे, तो इसका मतलब ये रीजन आपको लिखना जरूरी है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 हमारा क्या हो जाएगा, डायगनल जो है वो हमारे डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो अब हम यहाँ पे D1 D2 में दोनों में पता चल गए, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो सो एरिया ऑफ रॉम्बस, सो एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू 40 इंटू 40, 2 से 40 कैंसिल और 20 टाइम, 4 इंटू 2 800, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोम्बस इज 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, कैसे एग्जाम में इसको अटेंड करना वो भी आपको पता चला, अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, थैंक यू।